कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और डॉक्टर्स ओ माय गॉड 24/7 किसी न किसी की सेवा में लगे रहते हैं। तो इसलिए उनकी वाइफ्स का, जैसे एक सोल्जर की वाइफ उसको सपोर्ट करती है, मेरे ख्याल से एक डॉक्टर की वाइफ भी सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है, स्पेशली अगर वो एक नॉन मेडिको है। मेडिको डॉक्टर्स तो आपस में फिर भी कभी हॉस्पिटल में मिल लिए या कुछ हो गया, लेकिन नॉर्मल फुल फ्लेश्ड डॉक्टर, डॉक्टर रवीश अग्रवाल की वाइफ होना क्या फीलिंग देता है, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके लिए लेकर आता है, और आज के इवेंट में इनका क्या योगदान है, हम जानते हैं साधना मैम से। हेलो, मैं साधना, वाइफ ऑफ डॉक्टर रवीश अग्रवाल, और मैं आज इस ओकेजन में डॉक्टर रवीश के साथ पिछले एक हफ्ते से इन्वॉल्व हूँ। मैं वैसे तो लेक्चरर हूँ और रवीश के हर काम में मेरा सहयोग रहता है, और रवीश बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं और अपने पेशे के प्रति बहुत ज़्यादा ही ईमानदारी से करते हैं। साथ ही उन्हें IMA का स्टार कहा जाता है, IMA का शाहरुख खान किया जाता है, IMA बरेली का शाहरुख खान, और मुझे इस बात का बहुत प्राउड है, रवीश IMA के हर फंक्शन में 4 चांद लगाते हैं और मैं उनके साथ रहती हूँ। और एक बात बताऊँ, मैं चाहे नॉन मेडिको हूँ लेकिन रवीश के साथ मुझे यहाँ इतना सम्मान मिलता है कि मैं बता नहीं सकती। मैं भूल जाती हूँ कि मैं दूसरे लेक्चरर उससे आती हूँ, और मैं पूरा काम में सहयोग देती हूँ और वो मेरी हर राय को मानते हैं। स्पेशली मुझे उन पर प्राउड है, जब कोरोना हुआ तो उन्होंने किस तरह से सेवा की, ऑनलाइन सेवा की, हम लोग रात रात जागते थे, रात रात भर वो जो है फ़ोन से ट्रीटमेंट करते थे, कितनों की जान बचाई। तो मैं ऐसे हस्बैंड की वाइफ हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो वो वक्त, आपका वक्त किसी और को दे देते हैं फिर? नहीं, मेरा वक्त जो देते हैं वो दूसरे के सेवार्थ देते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, और अगर किसी और तरह से देंगे तो मैं हल्की थोड़ी ना हूँ। थैंक यू सो मच।